चूतिये को मिल गया मैं व्लॉग के शुरुआत में ही और हमारा दिमाग खराब कर दिया इसने जाम लगा के। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो आ चुके हैं नई वीडियो के साथ चूतिया पर व्लॉग में। तो भाई लोग, आपका स्वागत करता हूँ ऐसे के व्लॉग 05 में। तो भाई लोग, होप करता हूँ व्लॉग और वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप वीडियो को कर रहे होगे एंजॉय। तो ये देख लो, घोड़ा बग्गी भाई किसकी शादी में जा रहा है हमें भी बता दे। ओ घोड़े क्या हाल है। तो भाई लोग, व्लॉग की शुरुआत करते हैं मजे लेते हुए और इस चुतिया पे व्लॉग में करते हैं मजे। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, व्लॉग पसंद आ रहे होंगे और वीडियो पसंद आ रही होगी, राइड पसंद आ रही होगी। तो भाई जाते जाते हमें भी मजा आ गया। ये आया हमारा चौक पहला, जिसका नाम है जलेबी चौक। तो भाई लोग, पहचान लिया होगा आपने। ओहो, रेड स्वेटर में मैडम जा रही है। तो भाई लोग देख लो, किस किस को अच्छी लगी बता देना, बात करा देंगे। तो भाई बिना किसी देरी के चलते हैं व्लॉग में और करते हैं अपनी राइड को शुरू। तो भाई राइड तो अपनी पहले से ही शुरू है। तो पहले मिलाते हैं इस ग्रामीण से जिसे हम नहीं जानते, और दूसरा ये अपना मोड़, ये अपने मोड़ से थोड़ा सा आगे बढ़ता है और हम जा रहे हैं अंदर ही अंदर से, जिसमें कि आगे जाके हमें मिल जाता है टेंट और हमारा हो जाता है मोड़ खराब, हमारा बन जाता है चुतियापा। तो भाई फिर जैसे सब मोड़ रहे हैं, हमें भी मोड़नी पड़ गई आगे से बाइक अपनी। तो फिर फटाफट से हमने भी मोड़ी और इस दिन हो रहा था मैं बहुत ज़्यादा लेट। तो भाई लेट हो रहा था, तो आपको पता ही है जब लेट होते हैं तो ऊपर वाला और ज़्यादा लेट करा देता है कि बेटे आज तो लेट कैसे निकला, अब तो तुझे और लेट कराऊंगा। तो इसी के साथ हम वापसी मुड़े और फटाफट जल्दी के चक्कर में हम दोबारा से अपने रोड पर आ गए। और रोड पर आगे जाने के बाद देखो आपके आगे क्या होता है। तो आगे भाई हमें मिल गए रिक्शे वाले अंकल, जो हमें साइड नहीं दे रहे थे, पर हमने इनसे साइड ले ली। ये देखो एक चूतिया और मिला, फिर हमने इससे भी आगे जाके ओवरटेक करके साइड ले ही ली थी आखिरकार, और ये ले लिया आपके आगे। तो भाई फिर हम अपने उस रोड पर निकल गए जल्दी के चक्कर में, इतनी जल्दी थी कि आपको क्या ही बताऊँ। वीडियो को और राइड को देख के और स्पीड को देख के आपको लग ही रहा होगा कितनी जल्दी थी उस दिन मेरे को, क्योंकि भाई मैं जा रहा था थोड़ा दोस्त के पास, अपना काम था थोड़ा सा, तो वही बात थी अपनी, और लेट हो गया था मैं। उनने मेरे को बहुत पहले बोला था, और आपको पता ही है मेरी आदत क्या है, मैं बहुत पहले निकल जाता हूँ, मतलब मेरा देर में निकलता हूँ। तो भाई रोड अपना यहाँ तक तो अपने को खाली मिला, सोना सोना मिला, सटा सट मिला, चकना रोड मिला, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जीप से झाड़ लिया, झाड़ू वालों ने काम कर लिया। तो भाई इस रोड की तारीफ कर दी मैंने इतनी ज़्यादा कि मेरे को आगे देखो कितना जाम मिला, और जाम देख के तो इतना दिमाग खराब हुआ। और ये देखो जो चूते हमें वीडियो की शुरुआत में मिला, ये चूते यहाँ मिल गया। मेरे को तो लग रहा था ये अपनी गाड़ी में भाई पंखड़ी लगवाना चाह रहा था जो कि उड़ा के ले जाए इसे। इनने तो फंसाई फंसाई अपनी गाड़ी, साथ में इतनी गाड़ियाँ फंसा दी। तो ये देखो पीछे भाई क्या हाल हुआ। फिर हमने भी ये खुजली वाले बाबा खड़े हमारे रिक्शे पे, ये कहते हैं भाई ना तेरे ना खाने में मजा ना पीने में मजा, हाय खुजली तेरे खुजलाने में मजा। वाह क्या डायलॉग था इन बाबा का। तब हमने इनके डायलॉग सुनते सुनते हमारे कान पक गए, तो हमने थोड़ी सी आगे ली जो कि रिक्शे वाला हमें निकलने नहीं दे रहा था। फिर भी हमने हिम्मत करके आगे से निकले, और निकलने के बाद ये आंटी मिली, आंटी को हमने नमस्ते करा और हम इसी के साथ आगे बढ़ गए। आंटी जी ने हमें आशीर्वाद दिया, तो हमें आगे रोड खाली मिला। पर ये फिर ईको वाला हमें चूतिया मिल गया, क्या बोले भाई गलती हमारी थी, हम थोड़ा रोंग गए इसलिए हमने इसे कुछ नहीं कहा और हम निकल गए साइड से। तो साइड से निकलते ही भाई हमने ली खोपचे में गाड़ी, और खोपचे में गाड़ी जाने के बाद हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। भाई इतनी जल्दी थी कि देख लो कैसे कैसे गलियों और कैसे कैसे रोडों में मैं कुदा रहा था गाड़ी। पर उसके बाद भी अपने को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था हम कब पहुँचेंगे, लेट ऑलरेडी हो गया था मैं, और दोस्त के तो इतने फ़ोन आ रहे थे मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। भाई एक मन कर रहा था मेरा कि ऑफ कर दो, क्योंकि मेरे को पता था वहाँ जाके गाली मिलेगी, गाली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपको पता ही है दोस्त कैसे होते हैं और उनकी लैंग्वेज और भाषा क्या होती है, प्यार उनका क्या होता है। तो ये देख लो दो चूतियों को रोड के बीच में चल रहे थे, ये स्प्लेंडर वाला एक भाई है, भाई साइड दे दे, चलो ये अच्छा है एक बार में सुन के इनने साइड दे दी। तो भाई इसी के साथ हम आ गए हैं अपने चौड़े रोड पे, जो कि 908 का स्टैंड बोला जाता है। तो भाई यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ से हम जाएंगे सीधा वाई ब्लॉक साइड। तो भाई यहाँ पे भी हमें एक आते दो ये देखो चूते मिले, फिर हमने यहाँ से मोड़ी अपनी गाड़ी और निकल दिए हम बिल्कुल वाई ब्लॉक साइड। तो ये अपना भाई 908 का स्टैंड वाला रोड है जिसे पता हो।
वो पहचान जाएगा। और कौन कौन हमारी वीडियो यहाँ से देख रहा है तो हमें बता सकते हो, और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि वीडियो कैसी, और वीडियो को सपोर्ट प्यार बना के रखो और वीडियो को सपोर्ट प्यार दिखाते रहो। तो भाई यहाँ पे हमें जल्दी इतनी थी, उसके बाद हमें दो चार भाई मिले पीछे वाले, इन्होंने तो भले ही हमें साइड साइड दे दी, पर इस स्प्लेंडर वाला कह रहा था नहीं जाने दूंगा बेटे, नहीं जाने दूंगा, वहाँ कसम खा ली थी हमने अपनी, पर हमने फिर भी इसे चूतिया बना के हम निकल ही गए। और उसके बाद हमें मिले दो रिक्शे वाले, इनसे अपनी यारी दोस्ती हो गई, फिर इन्हें सलाम दुआ करके हम इनसे आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद तो अपना आ ही जाएगा भाई व्लॉग, आप ही को पता है, रोड पहचान लिया होगा, देख लिया होगा कैसा लग रहा है रोड। भाई फर्स्ट तो भाई लोग फर्स्ट व्लॉग है अपना ये, ओहो बेटा देख के, तो भाई लोग फर्स्ट व्लॉग है अपना जिसमें कि हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो अपने को कमेंट में बताना भाई वॉइस ओवर कैसा लगा आपको और कैसा रहा अपना ये व्लॉग। तो जैसा भी हो भाई फीडबैक जरूर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अच्छा लगा, बुरा लगा, गंदा लगा, कैसा लगा, सब कुछ बताना अपने को। और भाई प्लीज शेयर करना, ये देख लो चूतिए को, ये देखो एक अकलमंद को देख लो बच्चे को लेके कैसे खड़ा, ये देखो एक चूतिया और मिला हमें ये। तो भाई चूतियाओं की कमी नहीं है सुल्तानपुरी में और मंगोलपुरी में, एक से एक मिल जाते हैं, लोग भले ही अच्छे हैं पर यहाँ चूतिया लोग आते रहते हैं। तो भाई हम यहाँ से निकल दिए और आगे चल दिए हैं बिल्कुल, और चलते चलते अपने को मिल गए दो चार लोग जो अपोजिट में जा रहे थे, तो भाई हम पे खाली रोड मिल गया बिल्कुल, तो हमने फिर से एक्सीलेटर दिया और हम ये पहुँचने वाले हैं वाई ब्लॉक साइड, और भाई हमें पहुँच गए। तो भाई ये टेम्पो वाला हमें मिल गया, हमने बोला इससे भगा भगा भगा, तो इनने हमसे आगे भगाई थोड़ी सी, ये भगाई और हमने इसको चैलेंज करके इससे आगे भगा ली और हम जीत गए, ये। तो भाई हम जीत गए और मज़ा आ गया, बिगी बिल्ली हार गई। तो भाई लोग ये लाल लाल जो गाड़ियाँ दिख रही है, बसें दिख रही है, बड़े आरामी लोग होते हैं, इनसे बच के रहना ठोक देते हैं, मेरी बहुत बार लड़ाई हो चुकी है। तो भाई लोग यही है कुछ सीन यहाँ का। तो आगे जाम के चक्कर में मैंने फिर इधर से शॉर्टकट अपनाया और शॉर्टकट मेरे को फिर से बड़ा भारी इन दो तीन चूतियों के चक्कर में, क्योंकि भाई आगे मेरे को दो मिलेंगे चूतिया, जो कि आप चल के अभी देख लो, ये देखो ये गाड़ी फंसी पड़ी है, ये देख लो मेरे भाई बिरयानी की देख लेके जा रहा है, और ये टेम्पो वाले को देख लो भाई, इनने तो अपना पिछवाड़ा ही उठा दिया, क्या बोले भाई, इनने तो अपना पिछवाड़ा उठा दिया, दिक्कत तो हमें हो रही थी, तो फिर भी अभी से बिना कुछ बोले हम वहाँ से निकल गए, क्या बोले। तो वहाँ से निकलने के बाद आखिरकार हम आगे पहुँचे, पहुँचने के बाद हम सीधे ही जा रहे थे, तो हमें साइकिल वाला भाई मिला, तो इनने हमें चैलेंज करा रेस लगा ले, मैंने बोला बाप का भेस तेरे बस की बात नहीं है, फिर हम इसको बोल के आगे निकल गए। और आगे निकलने के बाद भाई आ गया हमारा भाई ब्लॉग स्टैंड हो गया प्रॉपर, तो पीछे से हमें देख लो कितनी साफ सुथरी जगह मिली थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जो कि आप देख ही रहे होंगे। तो भाई हम वापसी की साइड अपने वाई ब्लॉक साइड जा रहे थे, तो वही जाते जाते अपने को याद आया कि एक चूती हमारे आगे चल रहा है, तो भाई लोग इस चूते को तो हमने हटाया। तो भाई इस व्लॉग और वीडियो को यही करते एंड, क्योंकि हमें थोड़ी सी आगे और जाना था और हम पहुँचने वाले थे, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे करते एंड। होप करते वीडियो पसंद आई होगी और चूतिया पर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया चूतिया पर पसंद आया, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, मिलता है ऐसे किसी नई वीडियो में, जब तक लेटा टाटा बाय बाय, बी सेफ सेव राइड।